हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? सर, सच बताएं, बताइए सर, आजकल मज़ा नहीं आ रहा मार्केट में। मार्केट में कोई स्ट्रेंथ ही नहीं नज़र आ रही। ये बात तो मैं भी आपके साथ जो है एग्री करता हूँ कि बाज़ार में स्ट्रेंथ बिल्कुल मिस कर रही है, यानी कि स्ट्रेंथ मिसिंग है और अब इसको ढूंढ के तो लाना पड़ेगा। तो आप शायद उम्मीद कर रहे होंगे कि आज मैं शायद स्ट्रेंथ की बात करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले चर्चा करूँगा आपके साथ कि किस तरीके से हमने चर्चा की थी कल। कल मैंने निफ्टी बैंक के ऊपर जो बात आपके साथ की थी, पहले मैं उसको करता हूँ। मैंने कहा था कि 39,940,000 के आसपास बाज़ार जो है काफ़ी चल रहा है और 40,000 से हमें एक पुल बैक की उम्मीद है कि अगर बाज़ार ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन टिकेगा नहीं। और मैंने कहा था कि 300 से 500 तक जा सकता है, बट 300 पे दम तोड़ दिया। और नीचे जाएगा तो नीचे से पुल बैक करेगा, तो नीचे तो गया ही नहीं, पुल बैक क्या करता, तो ऊपर से सारा नीचे आ गया, यानी कि सारी तेजी बराबर होगी और जो है बाज़ार एक नेगेटिव टेरिटरी के अंदर बंद हुआ है, निफ्टी बैंक भी और निफ्टी भी। अब मैं व्यू की बात करूं आज आपके साथ, एक तरफा व्यू रखता हूं, एक तरफा व्यू है। अब देखिएगा बाजार में अब जिस तरीके का प्राइस एक्शन मुझे समझ में आया, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है मैं उसके हिसाब से बात करूंगा, क्योंकि आज का आकलन भी हमारा ठीक निकला, कल का भी ठीक निकला, ठीक है जी, बट मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं दे रहा भाई रोज ठीक निकलेगा। लेकिन मुझे जो कर लगता है, मेरी जो सेंस काम कर रही है वो मैं आपको बताता हूँ। लास्ट के 45 मिनट के अंदर दिमाग जो है बिल्कुल चकरा गया। दिमाग क्यों चकरा गया बताता हूँ आपको, कि बाजार ना उस टाइम से दिखाई नहीं रहा है और सीधा झटके से 800 चला गया। कोई पुल बैक नहीं आ रहे, कोई तेजी नहीं आ रही, कोई टेक्निकल पुल बैक नहीं आ रहा, जो नॉर्मल होता है तो क्या नॉर्मल से कुछ जुदा है। और जब नॉर्मल से कोई चीज़ जुदा होती है तो बाजार इस बार कैंडल वाइज भी कुछ और ही कर रहा है। देखिएगा 6-7 कैंडल आपको पूरी स्क्रीन पे ना ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल। अब मुझे लगता है कि ये जो बजट डे वाले दिन 17,400 के नीचे बाजार गया था, 380 बाजार इस लेवल को टेस्ट करेगा। और देखिएगा मुझे काफी प्रबल संभावना लग रही है कि इस पर ये टूट जाएगा, और अगर ये टूट गया तो बाजार के अंदर फ्री फॉल की तैयारी कर लीजिए आप। लेकिन मुझे लगता है कि यार इसको बचना चाहिए, सोमवार को बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर सोमवार इसने बचा लिया तो फिर एक पुल बैक के लिए बाजार आएगा, लेकिन हफ्ते के अंत होते होते ये फिर जा सकता है नीचे। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कह रही है, अभी मैं आपको बताऊँ जिस तरीके का एक्शन अभी देखने के लिए मिला लास्ट के 45 मिनट में, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, ऐसा फील आया, ऐसी फील आई कि यार बाजार ना सोमवार को फिर 200 पॉइंट निफ्टी गया। 200 भी जा सकता है, 250 भी जा सकता है, 300 भी जा सकता है, बट अहम चीज़ ये है क्योंकि अब ज़्यादा दूर तो है नहीं, 465 है, 380 टूटा नहीं, फ्री फ्लो हो जाएगा। अगर 380 टूट गया और आधे घंटे बाजार रुक गया वहाँ तोड़ने के बाद, 200 पॉइंट निफ्टी में कैसे टूटेंगे आप देखते रह जाओगे। तो हो सकता है कि सोमवार को 200 पॉइंट भी टूट जाए बाजार। तो कुल मिलाकर ये मेरा आउटलुक है। एक प्रोबेबिलिटी ये भी बनती है कि बाजार जनरली सपोर्ट लेके वहां से चले आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी फील आ रही है, क्योंकि जो 3 कैंडल है उनको देखने के बाद आज की जो चौथी कैंडल की क्लोजिंग है, एक वीक क्लोजिंग हमें देखने के लिए मिल रही है। उधर से निफ्टी बैंक जो है इतना कमज़ोर नहीं है जितना निफ्टी था, क्योंकि आज कल के लो नहीं लगाए, लेकिन अब ये भी 39,500 39,400 की तरफ एक बार दोबारा से टेस्टिंग के लिए जाएगा और यहाँ
अगर अब क्या झट से वापस नहीं आया जैसा कि हर बार आ रहा था, और मैंने परसों के जब आपके साथ एनालिसिस कर रहा था तो कल के लिए मैंने कहा था कि भाई जो नीचे जाएगा उससे पुल बैक करेगा, लेकिन अब क्या मुझे डाउट है, अब क्या नीचे गया तो टूट ना जाए, और 39,500 टूट गया तो मेरा मंथली लेवल पर टारगेट है, मंथली लेवल पर यानी कि अगले मंथली एक्सपायरी से पहले मेरा टारगेट बढ़ता है 38,300। एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ मैं, 38,300, 38,300 अगर 39,500 टूट गया तो ठीक है जी, 39,500 39,400 वैसे जो मेजर स्पोर्ट है वो 39,400 की है, तो जब तक 39,400 ना टूटे तब तक आराम फरमाइए, पुल बैक की उम्मीद करिए। 39,400 क्लोजिंग बेसिस पे टूट गया तो आपको 38,300 मिलना निश्चित है, फिर तो देखिएगा भगवान आपको 38,300 दिखा के ही मानेगा। और स्ट्रेंथ है नहीं कहीं पे, निफ्टी 50 में मैं आपके साथ बात कर रही, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, अदानी पोर्ट्स, ये सब तेजी में थे। अब देखिएगा मुझे दोबारा से एक फील आ रही है, जब बजाज फाइनेंस नीचे जा रहा था तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि यार सारे बैंक तो सही खड़े हैं, बैंक नीचे आ गए, बजाज फाइनेंस ऊपर आ गया, अब इंडेक्स मैनेजमेंट हो गई है, अब मुझे लगता है कि अगली एक्सपायरी से पहले बजाज फाइनेंस 6,000 भी तोड़ दे तो बजाज फाइनेंस भी 6,000 तोड़ सकता है। और ये जो सब कुछ हो रहा है फंडामेंटल बेसिस पर हो रहा है। अदानी इंटरप्राइजेस 1,315 रुपये आ गया, देखिएगा हमने बहुत बार आपसे लोगों से अपील की थी कि भाई अदानी इंटरप्राइज दूर रही है, अदानी ग्रुप से दूर रही है, और जिस जिसने अदानी ग्रुप के अंदर भाई तेजी की पोजीशन बनाई सबको जो है तबाह करने की जो है अदानी ग्रुप ने जो है ठान ली है, और हालांकि अदानी ग्रुप नहीं चाह रहा खुद तो, लेकिन भाई अदानी ग्रुप के शेयर्स तो कर ही रहे हैं। HDFC बैंक, HDFC, महिंद्रा एंड महिंद्रा और JSW स्टील, ये सब कमज़ोर थे, और आज की जो कमजोरी थी वो HDFC बैंक की वजह से थी, नहीं तो संभल जाते। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज फिर कमज़ोर, और डिक्लाइन वाले शेयर देखिएगा शाम को तो चांद पे चढ़ जाते हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि बाजार में इनहेरेंट वीकनेस है। डिवीज लैब देखिएगा, डिवीज लैब में हमारी जो एडवाइस है वो मंदी की अभी बेशक से 1.46 है, आज भी हमने इंट्राडे बेसिस में इसमें अच्छे पैसे बनाए, और डिवीज लैब जो सुबह 10, 10:30, 11, 12 बजे तक जितनी बार ऊपर की तेजी बना रहा था हम हर तेजी पर एक मंदी की पोजीशंस बना रहे थे, इंट्राडे बेसिस पे जो भी पोजीशंस बनाई वो सब स्क्योर ऑफ कर ली, लेकिन सारे के सारे सौदे डिवीज लैब में प्रॉफिट में ही निकले। रीज़न ये कि जो सुबह जिन प्राइस पर खुला उसके बाद जो तेजी बनाई वो तेजी को सस्टेन ही नहीं कर पाया, और मेरा अभी भी डिवीज लैब के ऊपर फर्स्ट टारगेट 2,500 से 2,600 रुपये के बीच में है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई वो टारगेट आपको अगले महीने में देखने के लिए मिल जाए, यानी कि मार्च एक्सपायरी तक शायद वो देखने के लिए मिले, कोई शोर नहीं है, ये केवल और केवल जो है मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, कोई भी पोजीशंस ले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज से ला लें। एशियन पेंट्स, अदानी पोर्ट, कोल इंडिया, बजाज फिनसर, ये सब तेजी में थे। हिंडालको, अदानी इंटरप्राइजेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, JSW, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, और ये सभी शेयर्स जो है तेजी के साथ गिर रहे। कुछ कंट्रीज जो है एल्युमिनियम के प्राइस के ऊपर जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी या जो ड्यूटीज़ हैं उनको रेज करना चाह रही हैं, तो हिंडालको के लिए वो पॉजिटिव खबर नहीं है, तो उसकी वजह से भी जो है आपको कमजोरी देखने के लिए मिल रही है। SBI लाइफ इंश्योरेंस, L&T और आईशर मोटर्स, ये सब कमज़ोर थे। और देखिएगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पे आपको पता है मैं बजट के बाद मैंने आपके साथ जो व्यू रखा था वो अभी भी कंटिन्यू है, और HDFC लाइफ में तो मंदी करने वाले पैसे कमा चुके होंगे अब तक। निफ्टी बैंक 39909 फ्लैट क्लोजिंग है, लेकिन भाई लास्ट को मैंने बोला ना, लास्ट में 45 मिनट में दिमाग चकरा गया भाई भैया अपनी पोजीशंस, क्योंकि हमारी जो पोजीशंस हैं वो दोनों साइड की थी, मतलब न्यूट्रल पोजीशंस थी, थोड़ी मंदी थोड़ी तेजी, लेकिन लास्ट में लास्ट के आधे घंटे भाई हमने अपनी पोजीशंस जो है मंदी की साइड ज़्यादा शिफ्ट कर दी जो हमारी तेजी की थी, यानी कि अब ये कह सकते हैं कि जो है पोजीशंस जाते जाते क्योंकि फील नहीं आ रही थी तेजी की, और ऐसी फील आ रही थी कि यार कहीं गैप डाउन ना हो जाए, और गैप डाउन भी नहीं होगा तो 39,500 भी जाएगा तो वहाँ पर भी 400 पॉइंट दूर है यहाँ से, तो वहाँ तक भी जो है बहुत ज़्यादा स्कोप जो है बन जाता है।
तो उसकी काफ़ी अच्छी संभावना हमें लग रही है अभी भी। एक पुल बैक भी हम उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि इतना ओवरसोल्ड बाजार है, लेकिन अब पता नहीं भाई 39,500 टूटेगा तो सीधा फ्लैट नीचे। तो 39,500 पे अभी तक हमारे बार पुल बैक बोल रहे थे, अब देखो पुल बैक मिलेगा। देखिएगा अब पुल बैक की संभावना मुझे 30% लग रही है, टूटने की संभावना 70% लग रही है। बड़ा क्रूशियल लेवल है 39,400 वाला, 39,400 39,500। ये टूटा नहीं बाजार 1,000-1,200 पॉइंट बिखर जाएगा। ठीक है जी, फिर तो पक्का है, बहुत लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ से बाजार ने बार बार पलटी मारी और अब की बार टूट गया तो भाई सब के स्टॉप लॉस है, और स्टॉप लॉस 500-700 पॉइंट सीधे जाते हैं वन शॉट। हाँ जी, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, SBI तेजी में थे, HDFC कोटक, PNB बैंक ऑफ बड़ौदा सब माइनस में। और वॉल्यूम को एक बार चेक करते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक नॉर्मल से थोड़ा सा कम था वॉल्यूम, SBI में नॉर्मल वॉल्यूम, ICICI में नॉर्मल वॉल्यूम, एक्सिस में नॉर्मल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी कम नहीं हो रहा, यानी कि सेलिंग भी चल रही है वॉल्यूम भी चल रहा है। FIs ने 1470 करोड़ बेच दिए भैया, और 1400 करोड़ पे DIs ने खरीद लिया। अब जो मुझे FIs की बॉडी लैंग्वेज जो नज़र आ रही डेटा से, मुझे लग रहा है FIs अब एग्रेसिव सेलर है सोमवार से। FIs की इंडेक्स फ्यूचर्स में 260 करोड़ की सेलिंग, इंडेक्स फ्यूचर्स शॉर्ट है। ऑप्शंस में हालांकि कोई बहुत बड़ी खरीदारी नहीं करके गए, लेकिन फिर भी कॉल राइटिंग हमें लग रही है। और इसके अलावा स्टॉक्स के फ्यूचर्स में भी सेलिंग है, इंडेक्स ऑप्शंस में थोड़ी बाइंग है। पुट कॉल रेशियो हालांकि ओवरसोल्ड है बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में भी, लेकिन फिर भी देखिएगा ओवरसोल्ड में ओवर भी ओवरसोल्ड हो सकती है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी 1.5% आज कमजोर है। ब्रांड क्रूड थोड़ा सा ऊपर की तरफ $82 पर आ गया है। ऑप्शन चेन के डेटा था वो सीधा बोल रहे भैया, बाजार को कौन ऊपर ला सकता है ऐसे डेटा को देख के। 17,500 पे 40,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए, 17,600 पे 1,02,000, 17,700 पे 56,000, 17,800 पे 25,000। इन चारों का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 5 लाख से ऊपर है, 5.5 लाख के आसपास है, जबकि पुट में चलें तो भाई अनवाइंडिंग होगी 17,500 में, 17,400 पे पुट राइटिंग शिफ्ट हुई, 17,300 पे हुई, लेकिन ये फिगर्स कॉल राइटिंग के सामने कहीं भी नहीं टिक रहे। ये भी डेटा आपको नीचे के ही संकेत दे रहे हैं। बैंक निफ्टी में देखिएगा 40,000 पे 56,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए 158, जबकि पुट साइड में 29 और 1,28,000, यहाँ पे बराबरी का मुकाबला है। लेकिन अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो पुट राइटिंग 5 नीचे की जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें तकरीबन जो है 55,000 के आसपास है, लेकिन ऊपर अगर यहाँ पे 5 कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो भाई ये 55,000 तो एक में ही है। ठीक है जी, ये 1.5 लाख से भी ऊपर है, ये भी संकेत दे रहे भाई बाजार अब 39,500 39,400 को चेक करने के जाएगा, संभलेगा या टूटेगा ये देखना है। मेरा जो है बायस 70% टूटने का है, और मैं आपको बताऊं सही मुझे तो टूटता ही लग रहा है। 70% मैं कम बोल रहा हूँ, मुझे सच बताऊँ 80-90% लग रहा है कि अब बाजार जो है यहाँ जाएगा। हो सकता है सोमवार को काम कर ले इसके आसपास, मंगल दोपहर में कर ले, फिर यहाँ पे मंगल दोपहर तक हो सकता है एक बार 40,000 आ जाए, और फिर दोपहर में फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी में टूट जाए, हो सकता है पहले ही टूट जाए सोमवार को ही। तो भाई 39,500 टूट गया, बाजार बहुत मंदा हो जाएगा, और फिर जो लोग अभी तक भी तेजी में खेल रहे हैं वो सब भी मंदे हो जाएंगे, मतलब एग्रेसिवली सेलिंग जो है ट्रेडर्स की तरफ से भी एग्रेसिव सेलिंग हो जाएगी, जिनको ये उम्मीद है कि पुल बैक आएगा। जैसे हमने भी पीछे देखिएगा आपके साथ चर्चा की थी 2 दिन पहले कि भैया पुल बैक आना चाहिए, पुल बैक आ गया। तो जो लोग पुल बैक की उम्मीद वाले लोग थे, यानी कि मेरे ऐसे लोग भी जो कह रहे थे कि पुल बैक आएगा, भाई 39,500 टूट गया ना, मैं भी पुल बैक नहीं बोलूँगा, मैं भी सीधा बोलूँगा भाई धज्जी उड़ गई सीधा। 39,400 तो श्योर है कि अगर 39,400 टूट गया, 39,400-500 के बीच में, 39,400 एक ऐसा लेवल है जो पिछले 2 साल में बहुत टेस्ट हुआ है, बजट वाले दिन 39,400, ठीक है जी, पिछले बजट में, उससे पहले बाजार ने 39,400 पे, मुझे जहाँ तक याद है तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले 39,400 पे हमें इतनी तगड़ी स्पोर्ट मिली थी, और मुझे याद है मैंने 38,500 की उस समय पर कॉल बेच रखी थी इन द मनी, और एक्सपायरी वाले दिन, वीकली एक्सपायरी वाले दिन 38,500 रुपये के ही भाव आ गए थे,
और 4 दिन तक वो यार टूट नहीं रहा था, मतलब इतना तगड़े तरीके से चल रहा था, ऐसा स्पोर्ट था। और उस समय पर मुझे ऐसी फील थी कि भैया टूटना चाहिए और 38,500 आना चाहिए, तो मैंने 38,500 की कोल बेची थी। वो एक्सपायरी वाले दिन पूरे पैसे मिले थे उसके, मतलब एक्सपायरी वाले दिन ही वो 700-800 पॉइंट टूटे थे। तो पूरे हफ्ते तक जो है मजबूत खड़ा रहा था बाजार। और तो वो मुझे लगता है 39,400 वो लेवल्स भी मुझे याद हैं कि ये 39,400 ने कितनी बार जो है मुझे ट्रेड दी है। और याद है मुझे सितंबर में भी जब बाजार गिरा, तो जब 5 दिन लगातार बाजार गिरा था, जो मेजर पड़ाव आया था वो 39,400 का था, जहाँ पे 2 दिन काम हुआ। उसके बाद था 38,300 से 38,500, जहाँ पर 2 दिन काम हुआ, मतलब 1.5-2 दिन, क्योंकि 2 दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक दिन तो बाउंस लेके ऊपर आ गया था, फिर अगले दिन टूट गया था 39,400। इसी तरीके से 38,300 पे बाजार काफी देर, फिर 37,700-800 के आसपास जो है एक्सपायरी हुई थी सितंबर करने की। और उसके बाद मैंने कहा था कि यहाँ से पुल बैक करेगा, तो वहाँ उन लेवल्स पर काम हो चुका है। तो 39,400 ने भाई इतनी तगड़ा बाउंस दिया, इतना तगड़ा बाउंस दिया ना हर बार, मतलब ये टूटते वक्त भी और गिरते वक्त भी, दोनों साइड, मतलब रेजिस्टेंस भी सपोर्ट भी। अब अगर 39,400 टूट गया भैया, फिर एक ही सीधा सा तरीका है भाई, सारे लोग जो ट्रेडर्स अभी तक भी पुल बैक सोच रहे हैं, जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि तेजी आएगी, वो सब का माइंड बदल जाएगा, साइकोलॉजी मंदी की हो जाएगी। और फिर साइकोलॉजी मंदी की होगी, फिर हो सकता है कोई टेक्निकल बाउंस आ जाए, लेकिन 39,400 टूटना नहीं चाहिए। टूट गया तो भाई जो है तेजी वाले बहुत बुरे फंस जाएंगे, और फिर शार्प आएगा फूल, ये पक्का है। 39,400 के बाद 300-400 पॉइंट तो हो सकता है कि जिस दिन टूटे उसी दिन आ जाए। और उम्मीद करते हैं कि भाई एक बार और सपोर्ट मिल जाए तो बाउंस आ जाए, पर क्या सपोर्ट है ही नहीं कुछ। आज सुबह खुला ना बाजार, कुछ हुआ ही नहीं। हमने कहा था भाई ऊपर आएगा तो सेल ऑन राइज रहेगा, और नीचे जाएगा तो नीचे से पुल बैक करेगा। ऊपर गया भाई, ताश के पत्तों की तरह ढह गया, संभला नहीं, मतलब इतने 3-4-5-7 दिन का ओवरसोल्ड बाजार भी नहीं संभल रहा। तो अब हो सकता है भाई, जब ये ओवर सोल्ड है, स्ट्रेंथ आ नहीं रही है, बायर का कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो सेलर भाई 39,400 को उड़ा देगा। और 39,400 उड़ाते से फिर तेजी वालों भी कहाँ जाएंगे, सब के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, बैकफुट पे आ जाएंगे। तो यही हमारा आकलन है। और आपको एनालिसिस कैसा लगा, जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।